छठवें सावन सोमवार के उपाय में आपका बहुत स्वागत है। छठवां जो सावन का सोमवार है वह है 14 अगस्त 2023 को, और इस सावन के सोमवार में अगर पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गर्भधारण हो जाएगा, क्योंकि अधिक मास का यह सावन का सोमवार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जाता है कि इस सावन के सोमवार में किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप बहुत लंबे समय से पुत्र संतान के लिए परेशान हैं, संतान नहीं हो रही है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर अन्य किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को दूर करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और पुत्र संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस उपाय से बेहतर कोई भी उपाय नहीं है और इस उपाय के करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर जरूरत है आपकी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव के निमित्त इस उपाय को करने की, क्योंकि यह उपाय काफी चमत्कारी, लाभकारी और काफी प्रभावशाली माना जाता है। कहा गया है कि इस उपाय के करने से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। अब उपाय क्या है, कैसे आपको करना है, क्या उपाय की विधि है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोमवार के दिन प्रातः काल आपको उठकर स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपके घर में अगर भगवान शिव का कोई शिवलिंग हो तो उस शिवलिंग को किसी बर्तन में, किसी थाली में विराजमान कर लीजिए। विराजमान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करके फूल और चावल चढ़ाना है। उसके बाद आपको भगवान का पूजन करना है, शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है, उसके बाद दूध से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते जाएं। साथ में भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, फूल, दूर्वा, बिल्वपत्र आदि चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण करना है, पर विशेष ध्यान रहे कि भगवान शिव को आपको जो है दूध और केसर का नैवेद्य ही अर्पण करना है। नैवेद्य अर्पण करने के बाद 5 बार आचमन आपको भगवान को कराना है। आचमन कराने के बाद धूप दीप दिखाएं, भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद भगवान की आरती करें और आरती करने के बाद पुत्र की कामना के लिए भगवान से विशेष प्रार्थना करें। हाथ जोड़कर पुत्र संतान के लिए भगवान से प्रार्थना आपको करना है। इसके बाद एक विशेष उपाय और है जो आपको करना है, वो उपाय मैं आपको बता देता हूं क्या विशेष उपाय है। बस भगवान शिव के शिवलिंग के पास एक छोटी सी वस्तु आपको रखनी है जो आपको पूजन सामग्री की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी, वह है भोजपत्र। भोजपत्र के ऊपर आपको जो है ओम क्लीम इस मंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध चंदन से लिखना है, और लिखने के बाद भगवान शिव के सामने उस भोजपत्र को आपको रख देना है। उसके बाद दूसरे दिन प्रातः काल आपको उठना है, स्नान आदि करना है, और स्नान करने के बाद उस भोज पत्र को किसी लाल कपड़े में बांधकर आपको महिला को कमर में धारण करना है, और कमर में धारण करने के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ गर्भाधान आपको करना है। अगर इस तरह आप गर्भाधान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, गर्भ ठहर जाएगा और इस गर्भ से आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा, आपके घर में खुशियां आ जाएंगी और सूनी गोद भर जाएगी। जी हाँ, ये बहुत चमत्कारी प्रभावशाली उपाय है। आज तक मैंने जिस व्यक्ति को भी यह उपाय बताया है, इस उपाय को करने से निश्चित ही उन्हें संतान का लाभ हुआ है। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया है, जिन्होंने पर्सनल कॉल करके हमें बताया है कि इस उपाय को करने से उन्हें लाभ हुआ है, लेकिन ये उपाय का प्रभाव श्रद्धा और विश्वास के साथ ही अगर आप करेंगे तभी उसका फल आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका आपके मन में रह जाएगी तो इस उपाय का प्रभाव निष्फल हो जाता है। पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा विश्वास के साथ ही आपको इस उपाय को करना है, तो विश्वास कीजिए भगवान शिव की कृपा से आपको गर्भ धारण हो जाएगा, और इस उपाय के करने के 3 महीने के अंदर ही आपको गर्भ धारण होने का योग बन जाता है। विशेष और चमत्कारी यह उपाय है,
इस उपाय को अवश्य ही कीजिए, जिससे आपको लाभ मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।